नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं रोशनी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से। क्या हमें परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जैसे कि हमारे माता पिता या शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं, या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद लें। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। थैंक यू रोशनी। पांच नदियों के क्षेत्र, गुरुओं की भूमि स्थित समृद्ध राज्य पंजाब के भटिंडा से 10वीं की छात्रा किरणप्रीत इसी विषय पर अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। किरणप्रीत, कृपया अपना प्रश्न पूछें। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, माय नेम इज किरणप्रीत कौर ऑफ क्लास 10th। आई स्टडी इन दून पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्याण सुखा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डू आई डील विद माय फैमिलीज डिसअपॉइंटमेंट इफ माय रिजल्ट्स आर नॉट गुड। आई डोंट हैव नेगेटिविटी अगेंस्ट माय पेरेंट्स because I know they need more reassurance than I do. Thank you sir, please guide me. धन्यवाद किरणप्रीत। Honorable Prime Minister sir, like many of us, Roshni and Kiranpreet also find it a challenge to deal with the expectations of their parents and teachers. We look forward to your advice, Honorable sir. रोशनी, क्या कारण है कि आपने जब ये सवाल पूछा तो सबसे ज्यादा तालियां बजी? क्या कारण है? मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडेंट के लिए नहीं पूछा है, आपने बड़ी चतुराई से पेरेंट्स और टीचर के लिए पूछा है। और मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि मैं आज यहाँ से हर एक के पेरेंट्स को और टीचर्स को कुछ यहाँ से कह दूं ताकि आपके काम आ जाए। इसका मतलब कि आप पर प्रेशर है टीचर का, आप पर प्रेशर है पेरेंट्स का, और इसलिए आपको उलझन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूं कि उनके कहने पर करूं। अब उनको समझा नहीं पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को और टीचर्स को ये जरूर कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप मन में सपने लेकर के जीते हैं, या तो जो सपने आपके खुद के अधूरे रह गए हैं, आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल में, आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और इसलिए दिन रात आपको लगता है कि बस इसको तो वो बना के रहूंगा, यानी आप अपने मन की बातों को, अपने सपनों को, अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को अपने बच्चे में एक प्रकार से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चा आपको रिस्पेक्ट करता है, माँ बाप की बात को बहुत महत्व देता है। दूसरी तरफ टीचर कहते हैं कि देखिए तुम्हें ये करना है, तुम ये करो, हमारे स्कूल में तो ये है रहता है, हमारी तो ये परंपरा है। आपका मन कुछ तीसरा ही करता है। और ज्यादातर हमारे बच्चों के विकास में ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच में उसे गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। और इसलिए पुराने जमाने में टीचर का परिवार से संपर्क रहता था, परिवार के हर लोग को टीचर जानते थे, और परिवार भी अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है उसे टीचर परिचित होते थे, टीचर क्या करते हैं कैसा करते हैं वो उसे पेरेंट्स परिचित होते थे। यानी एक प्रकार से शिक्षा एक
चाहे स्कूल में चलती हो, शिक्षा घर में चलती हो, हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पर होता था। और उसके कारण अब क्या हुआ है, बच्चा दिन भर क्या करता है माँ बाप को समय नहीं है, जानते नहीं है। टीचर को सिलेबस से लेना देना है, मेरा सिलेबस पूरा हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया, बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन उसको लगता है कि मेरी जिम्मेवारी है सिलेबस पूरा करूं, वो मेरा दायित्व है। लेकिन बच्चे का मन कुछ और करता है, और इसलिए जब तक चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या स्कूल का एनवायरमेंट हो, हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमाएं, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अपेक्षा, उसकी आकांक्षा, इन सबको बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसको जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और हम उसको धक्का मारते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा जाता है। और इसलिए मैं रोशनी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए इससे बचने का प्रयास करें। उनकी और हर बच्चे के पास एक स्ट्रेंथ होती है, हर माँ बाप को स्वीकारना होगा कि आपके तराजू में वो फिट हो या ना हो, लेकिन परमात्मा ने उसको किसी न किसी विशेष ताकत के साथ भेजा है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य है। ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है कि आप उसके सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हो, ये आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे हो, और इसलिए दूरी वहीं से बन जाती है। और मैं चाहूंगा बच्चों से कि आप प्रेशर के बीच भी, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मां बाप का मत सुनो, मैं ये तो नहीं कहूंगा टीचर की बात मत सुनो, ये तो सलाह ठीक नहीं होगी, सुनना तो है ही है, वो जो कहते हैं उसको समझना है, लेकिन हमें उन चीजों को स्वीकार करना है जो हमारे भीतर बहुत सहज रूप से, आपने देखा होगा धरती भी वैसे तो निर्जीव लगती है, एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उसी धरती पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है, बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। दोष धरती का नहीं है, कौन सा बीज बोया है उस पर है, और इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, कौन सी चीज आपको मन के साथ एकदम उसमें आगे बढ़ जाते हैं, आप जी जान से उस पर जीतते जाइए, आपको कभी बोझ महसूस नहीं होगा, और शुरू में रुकावट आएगी, लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लग जाएगा, हाँ हम तो सोचते थे कि इसमें ये बहुत अच्छा किया, आज तो हमारा नाम रोशन हो गया, चार लोगों के बीच में बैठते हो तो तारीफ होती है, जो कल तक आप कोई ताकत को स्वीकार नहीं करते थे वो आने वाले समय में आप ही के ताकत का गौरव गान करना शुरू कर देंगे। और इसलिए आप हंसते खेलते उमंग के साथ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए, अतिरिक्त जो सामर्थ्य है उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा होगा।